अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। एए क्रिएटिविटी की जानिब से आपके लिए जो कहानियों का सिलसिला शुरू किया गया है, उसके सिलसिले की जो कहानी आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसका उन्वान है छोटे छोटे दाने। किसी जंगल में एक नन्ही चूटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नन्ही चूटी की माँ जब तक सेहतमंद थी, अपने और नन्ही चूटी के लिए मज़ेदार खाने लाती, लेकिन जब इसकी माँ बीमार और बूढ़ी हो गई तो दाना लाने की जिम्मेदारी नन्ही चूटी पर आ पड़ी। इसकी माँ ने उसे समझाया कि बरसात से पहले बहुत सारा दाना जमा करना ज़रूरी है, ताकि सर्दियों में आराम रहे और खुराक भी आसानी से मिलती रहे। नन्ही ने पहले दिन बहुत मेहनत की और बहुत दूर से चंद दाने घर तक ले जा सकी, फिर और दाने लाने से इसने इनकार कर दिया। इसकी माँ ने फ़िक्रमंद लहजे में कहा, नन्ही, सिर्फ इन चंद दानों से तो कुछ भी ना होगा, आखिर हमें सर्दियों में अपना पेट कैसे भरेंगे, इस वक्त खुराक बिल्कुल गायब हो जाएगी। नन्ही ने कहा, ये बहुत मुश्किल काम है, मैं तो सिर्फ चंद दाने ही ला सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये कहकर नन्ही सो गई। अगले दिन वो फिर दानों की तलाश में निकल पड़ी। इसने सोचा, मैं अब बड़े बड़े दाने अपने घर में जमा करूँगी। इसे एक दरख्त के नीचे बहुत सारी चूटियाँ जाती हुई नज़र आईं। जब वो दरख्त के करीब पहुँची तो उसने वहाँ रोटी के बेशुमार टुकड़े पड़े हुए देखे। इसने देखा कि जो चूटियाँ छोटी हैं, वो बड़ी तेज़ी से छोटे दाने मुँह में लेकर जा रही हैं, जबकि बड़े चूटे बड़े दाने मुंह में दबाए जा रहे हैं। इसने एक बड़ा सा दाना मुंह में पकड़ा और चल पड़ी, लेकिन अभी चंद ही कदम चली थी कि थक गई। इस दौरान एक बूढ़ी चूटी की नज़र नन्ही पर पड़ी। इसने कहा, भाई नन्ही, क्या बात है। इसने सारा किस्सा सुनाया। बड़ी खाला हंस पड़ी। बड़ी खाला नन्ही चूटी को एक दरख्त के करीब लेकर गई, जहाँ ठंडी छांव थी। बड़ी खाला ने छोटी चूटी की तरफ इशारा किया, तुम भी इनकी तरह फुर्ती से काम करो और छोटे दाने घर ले जाओ, बड़े दाने तुम नहीं ले जा सकती। अच्छा, देखो नन्ही, जब तुम छोटे दाने मेरे घर में पहुंचाओ और मैं बड़े दाने तुम्हारे घर में लेकर चलती हूँ, लेकिन एक शर्त है। खाला, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, नन्ही खुश होकर बोली। तुम हर रोज़ 3 घंटे काम करोगी, खाला जान ने शर्त बताई तो नन्ही ने फौरन कहा, मुझे ये शर्त मंजूर है। दिन गुजरते गए। चूटी पाबंदी से रोज़ाना छोटे छोटे दाने खाला के घर में जमा करती रही और खाला जान बड़े दाने नन्ही के घर में ले जाती रही। नन्ही की माँ खाला जान से बहुत खुश थी कि खुराक जमा करने में उनकी मदद कर रही हैं। जब नन्ही ज़रा आराम करती तो खाला फौरन उसे उठने और पाबंदी करने का कहती। नन्ही, अब बस दाने जमा करना बंद करो, एक दिन खाला जान ने नन्ही से कहा। खाला जान, मैं कुछ दाने और जमा करना चाहती हूँ, नन्ही ने जवाब दिया। असल में नन्ही चाहती थी कि खाला जान बड़े बड़े दाने इसके घर में जमा करती रहें। बस नन्ही, खुराक बहुत ज़्यादा जमा हो गई, इतनी काफ़ी है, खाला जान ने नन्ही को समझाया। उसने फौरन बात मान ली। फिर नन्ही और खाला जान अपने अपने घरों को रवाना हो गए। दिन गुजरते रहे। नन्ही के यहाँ बहुत सारी खुराक जमा हो गई थी। खुराक के बड़े बड़े दाने देखकर नन्ही खाला जान का शुक्र अदा करती। एक दिन जब सर्दियाँ ज़ोरों पे थीं, सब जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे, अचानक नन्ही के घर का दरवाजे पर दस्तक हुई। नन्ही ने दरवाज़ा खोला तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। मेहरबान खाला जान इसके सामने खड़े थे। नन्ही जैसे जल्दी से उन्हें अंदर बुलाया और उनकी खूब खातिर मदारात की। इसके बाद उनकी माँ ने भी खाला जान का बहुत शुक्रिया अदा किया। खाला जान, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, नन्ही ने खाला जान से कहा। क्यों नन्ही, किस बात की मेहरबानी, खाला जान हैरत से बोली। खाला जान, आपने इतनी सारी खुराक हमें जो दी है। नन्ही ने खुराक के बड़े ढेर की तरफ इशारा किया। अच्छा, खाला जान ने कहका लगा कर कहा, लेकिन तुमने वो खुराक तो देखी नहीं जो मैंने गोदाम में जमा की है और जो तुम लाई थी। खाला जान, वो तो छोटे छोटे दाने थे, इनके मुकाबले में इन बड़े दानों का क्या मकाम है। तुम खुद देखोगी तो पता चलेगा कि किसकी खुराक ज़्यादा है, वो जो तुमने जमा की है या ये बड़े बड़े दाने जो मैंने तुम्हारे घर में जमा किए हैं। खाला जान ने कहा, उसकी माँ से इजाज़त ली और नन्ही को अपने घर ले जा रही थी ताकि इसे खुराक दिखा सकें। इसकी माँ ने इजाज़त दे दी और खाला जान नन्ही को लेकर अपने घर रवाना हो गई। अरे, खाला जान नन्ही के मुँह से हैरत के मारे चीख निकल गई। क्यों नन्ही, तुमने देखा तुमने कितनी खुराक जमा की है, अब बताओ वो खुराक ज़्यादा थी या ये छोटे छोटे दाने, खाला जान ने मुस्कुराते हुए पूछा। खाला जान, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैंने इतनी सारी खुराक आपके घर में जमा की है। इसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया। देखो नन्ही, खाला जान ने उसे समझाया, ये सब खुराक तुमने ही जमा की है, ये इसलिए ज़्यादा है कि तुमने पूरे 1 महीने हर रोज़ बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम किया, एक लम्हा भी आराम नहीं किया और बड़ी बेकायदगी से तुमने ये काम किया, ये इसी का सा कमाल है। याद रखो, मेहनत और काम को बाकायदगी से करने से ही कामयाबी है, इतनी बड़ी कामयाबी कि तुम हैरान हो जाओ, इतनी हैरान कि तुम जितनी अब हो रही हो। फिर खाला जान ने नन्ही को ढेर में से कुछ और खुराक दी, वही नन्हे नन्हे छोटे छोटे दानों पर मुश्तमिल थी। खाला जान ने कहा, जजाकल्ला।
अल्लाह आपको उसके जज़ाए खैर अता फरमाए। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। और बच्चों, हमें इस कहानी से जो सबक मिलता है वो ये है कि अगर मेहनत भले थोड़ी कम की जाए लेकिन मुस्तकिल की जाए तो उसके नतायज बहुत बेहतरीन होते हैं, और इंसान ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं रखता। जज़ाकअल्लाह।